गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग 30-40 मिनट के अंदर दोस्तों दैनदू और दैनदू के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जैसे कि पीआईबी हो पीआरएस हो या दोस्तों कोई सा भी अपना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हो जिसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं, हर चीज के पास्ट के बारे में देखते हैं, प्रेजेंट के बारे में देखते हैं, साथ में दोस्तों कौन कौन से फैक्ट है जो कि उस न्यूज से जुड़े हुए हैं वो सभी देखते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल है जो कि बन सकते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिंदास होकर सेशन को रेगुलर देखो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको दोस्तों एग्जाम में सवाल नहीं देखने को मिले, और 90% दोस्तों आपको क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे जो कि हम फ्रिक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज है दोस्तों 11th of July 2020। तो आज हम लोग सबसे पहले कल के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको बोला था कि उज्ज्वल योजना के तहत दोस्तों जो रसोई गैस होता है ना, मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, वो कब तक मिलेगा। तो उसका टाइम दोस्तों सितंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कि अपना सीबीडीटी ने एमओयू साइन किया था दोस्तों किसके साथ में, डेटा एक्सचेंज को लेकर, तो ये सेबी के साथ में किया था। चलिए आकाश दोस्तों क्या है, आकाश क्या है, आकाश आपके ऊपर वो वाला आकाश की बात नहीं कर रहे, सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, है ना। कौन से बैंक ने दोस्तों पार्टनरशिप करी मास्टर कार्ड के साथ में ताकि डिजिटल पेमेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा दे सके, तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ में करी थी। अगला सवाल था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विकास समाधान से विकास, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च करी है, तो ये हरियाणा के द्वारा दोस्तों करी गई है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है या मेरा साइंस का कोर्स जो कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन करना है, 1000 क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ क्रैश कोर्स के तौर पे, ठीक है। मेरे अलावा आपको मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का सबका फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एसएससी में चल रहा है तो आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 500 रुपए पर मंथ में 12 महीने का, रेफरल कोड के अंदर आपको भुवनेश टेन जो कि लगा के अप्लाई करना है। साथ में दोस्तों आज 3 मंथ चैलेंज का 6ठा दिन है, 90 दिन में से 6ठा दिन है आज, और आज मैं दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी कि इको डे है जो कि आज हम लोग मना रहे हैं। ओके गाइस, तो इकोनॉमिक्स है जो कि हम लोग पढ़ेंगे 11 बजे और अभी 12 बजे लाइव कहां पर, स्पेशल सेशन के अंदर। कैसे ज्वाइन करना है बता देता हूँ, ये अपना शेड्यूल है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास, लेकिन बच्चों ने डिमांड करी तो फिर मैंने सैटरडे को जो है इको छुट्टी हुई थी तो मैं इको आज यहाँ पे आपके लिए करवा रहा हूँ। ओके गाइज, कैसे ज्वाइन करना है इन क्लासेस को मैं आपको बता देता हूँ। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके इसको पहले ओपन करना है। देखिए मजा आएगा आपको क्लास करने में। देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे क्या है दोस्तों, है ना। बैंक के द्वारा भेजा गया है, एजुकेशन इज नॉट अ नेम ऑफ एनी डिग्री और सर्टिफिकेट दैट कैन बी शोन टू अदर्स एज अ प्रूफ, एजुकेशन इज द नेम ऑफ आवर एटीट्यूड एक्शन लैंग्वेज एंड बिहेवियर विद अदर्स इन रियल लाइफ। एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों जो कि बैंक के द्वारा बोली गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्तों 100 में से है ना 90 दोस्तों लोग है जो कि इसको नहीं समझते। शिक्षा का मतलब लोगों के लिए क्या है, डिग्री और सर्टिफिकेट होता है जो कि दूसरों को दिखा के वो ये बताते हैं कि वो एजुकेटेड है। गाइस आपको एजुकेशन के लिए किसी को सर्टिफिकेट या डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दोस्तों एटीट्यूड अच्छा है, एक्शन अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, बिहेवियर लोगों के साथ में अच्छा है, आप हमेशा तैयार रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए, अच्छे से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों को थैंक यू बोलते हैं उनके छोटे से काम के लिए भी, तो यही है दोस्तों जो कि आपकी ट्रू एजुकेशन है। आप रियल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं ये एजुकेशन मानी जाती है। आपके पास चाहे सर्टिफिकेट के अंदर 99% कोई चाहे हो या फिर आप चाहे आईआईटी से पास आउट हो, चाहे आईआईएम से पास आउट हो, चाहे आप कहीं से भी जगह से दोस्तों आपने पढ़ाई करी हो, अगर आपकी एजुकेशन में आपके लैंग्वेज बिहेवियर एक्शन अच्छे नहीं है तो
यकीन मानिए उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। हमेशा एजुकेशन दूसरों को आप सर्टिफिकेट के द्वारा दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जरूरत है कि आपको अपने एक्शन में चेंज करने की। जब आप अच्छे तरीके से बिहेव करते हो तो आपने कभी देखा होगा ना कि आपसे अगर कोई पर्सन मिला होगा, उसने बड़े अच्छे से प्यार से आपसे बात करी होगी, तो आप समझ गए होंगे कि यार बहुत अच्छा एजुकेटेड पर्सन होगा अभी इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। तो उसको बहुत बताने की जरूरत है वो कहां से पास आउट है, उसका बिहेवियर आपको बता रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी अपने बिहेवियर में, लैंग्वेज में, एक्शन के अंदर जो है चेंज लेके आएंगे, और वही दोस्तों एक ट्रू एजुकेशन है जो कि मेरी, जो मैं आपको दे रहा हूं या फिर आप जो ले रहे हैं कहीं से भी दोस्तों, वो मैं मानता हूं। ओके चलिए ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन की तरफ। और बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि आपने देखा होगा ना, मैंने एक और चीज देखी है, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, बिचिंग कर रहे होते हैं, तो ये सब मत क्या करो। दीज आर, ये एक अच्छा एजुकेशन का एक वो नहीं है, समझ रहे हो, डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप किसी की बुराइयां कर रहे हो, किसी को बिच, किसी के पीछे कुछ बातें बोल रहे हो, किसी के बारे में बुराई करके कुछ उसकी वैल्यू को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक ट्रू एजुकेशन दोस्तों नहीं है, यकीन मानिए। कोई भी अगर टीचर या फिर कोई भी अगर आपका आस पड़ोस में कोई भी ऐसा कर रहा है, तो यकीन मानिए उनको थोड़ा बताइए कि भाई ऐसा ना करें, ये शिक्षा का जो है वो सही रास्ता नहीं है। ठीक है, इस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि द हिंदू के अंदर है ना। ओके द हिंदू की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि कल आप लोगों ने बिल्कुल सही बात बोली थी, कल तो मुझे पता भी नहीं था लेकिन आप लोगों ने जो बताया, जो कि है विकास दुबे को दोस्तों एनकाउंटर है जो कि कर दिया गया है ना, शॉट डेड इन एक्सचेंज ऑफ फायर। दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई पुलिस का क्या कहना है और साथ में एविडेंसेस जो है वो क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट मिलिट्री लेवल के ऊपर बातचीत और ज्यादा होगी, अभी इंडिया चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेकर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो कि कमिटी की रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया कि कमर्शियल वैक्सीन कोविड 19 की हमारे देश में 12 महीने तक लग सकते हैं। यहाँ पे कोविड 19 को बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों अभी तक जो है 14% रेनफॉल जो है हमारे इंडिया में ज्यादा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा एक्सेस में थोड़ी बारिश जो है वो ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की अपने देश में, आपको मालूम है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर बात करेंगे दोस्तों, सोलर एनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट आए इसको लेकर। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ माइनर है जिनको एक महाराज जी के चंगुल से बचा लिया गया मुजफ्फरनगर के आश्रम के अंदर। ठीक है, ऐसे बाबा बाबा बहुत सारे महाराज है जो कि घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है जो कि ये लोग करते हैं। ओके, तो थैंक गॉड यहाँ से कुछ बच्चों को बचा लिया गया। यहाँ पे दोस्तों निजामुद्दीन इवेंट के अंदर 73 और फॉरेनर्स को दोस्तों 7-10 हजार रुपए के ऊपर जो है फाइन के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे बिहार के अंदर अगले महीने इलेक्शन का आपको मालूम है ना, इलेक्शन होने वाले थे लेकिन यहाँ पे सारी अपोजिशन पार्टीज ने बोला है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए बिकॉज ऑफ द कोविड 19। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट पेज है। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करेंगे जो कि दुबे को लेकर। तो देखो बात ऐसी है कि आपको मालूम है विकास दुबे जो कि एक हिस्ट्री शीटर था, अक्यूज था दोस्तों, 8 पुलिसमैन को जो है इसने मारा था अभी कुछ टाइम पहले है ना, हमारे जवान शहीद हुए थे। तो अभी क्या हुआ था दोस्तों कि इसको उज्जैन से पकड़ के लेके आ रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, उसमें से उसने भागने की कोशिश करी और बंदूक जो है उसने पुलिस वाले से छीन ली और आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ फायर का और उसके अंदर क्या कर दिया, इसका एनकाउंटर है जो कि कर दिया गया। समझ गए मेरी बात, एक्सचेंज जो फायर के अंदर जो है इसकी मृत्यु हो गई, ये पूरा स्टेटमेंट है जो कि पुलिस का आया है। बाकी जो एविडेंस शो करते हैं वो साफ तौर पे ये बताते हैं कि ये दोस्तों एक्सचेंज जो फायर नहीं है, पूरी तरीके से एनकाउंटर है जो कि किया गया है। अब इसके एविडेंसेस देखिए, सबसे पहला ये बोलता है कि कई सारे जर्नलिस्ट थे जो कि इनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो उन जर्नलिस्ट को दोस्तों सबसे पहले तो क्या कर दिया गया, कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, बिन बात ही उनको रोक दिया गया इनकी गाड़ी को आगे निकलने को लेकर। ओके, तो क्यों रोका गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा दोस्तों, जब ये एक टोल प्लाजा से जा रहे थे तब तो ये दूसरी गाड़ी में था और उसके बाद में जो है विकास दुबे को दूसरी गाड़ी में जो है बताया गया कि उस गाड़ी में था ये जिसका एक्सीडेंट हो गया है। तीसरा प्रूफ यहाँ पे जो मिल रहा है वो है दोस्तों टाटा एसयूवी को लेकर, जब वो टोल प्लाजा से क्रॉस कर रही थी है ना, तो जर्नलिस्ट को दोस्तों, किसी भी जर्नलिस्ट को जो है वो आगे नहीं जाने दिया, टोल प्लाजा के ऊपर ही रोक लिया गया। पहले कुछ किलोमीटर रोका गया, फिर टोल प्लाजा के ऊपर भी रोका गया सिक्योरिटी चेक के नाम पे। तो 3-4 जगह पे ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से एनकाउंटर था, समझ रहे हो पूरा। और आपको मालूम है इससे पहले भी जो इसके 5 जो साथी थे ना इसके दुबे के, विकास दुबे के, तो इन 5 साथियों का भी एनकाउंटर है जो कि अभी कुछ दिन पहले कर दिया गया था। अब बात ये आती है कि ये क्या एनकाउंटर सही है या गलत है।
या फिर कहीं जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है उन परिवारों के साथ में, पुलिस वालों के जिनके परिवार के लोग अभी पुलिस में होने के बाद में भी शहीद हो गए, क्या उनके साथ में जस्टिस है कि नहीं है? मुझे ये लगता है कि आपसे आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता होगा कि यस सर ये तो जस्टिस हो गया, ना बिल्कुल सही है, गुंडा था मार दिया। लेकिन मेरे व्यूज के ऊपर थोड़े से अलग है। मुझे ये जो एनकाउंटर वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होती है गाइस किसी भी देश के अंदर। ये बहुत ही डेंजरस घटना होती है अगर आप किसी के पुलिस वाला एनकाउंटर कर रहे हैं तो। देखिए होता क्या है दोस्तों कि विकास दुबे कोई अकेला आदमी नहीं था, इसके पीछे पूरा का पूरा एक गैंग था, और गैंग के पीछे पूरा का पूरा इसका क्या होता है, कनेक्शन होते हैं, नेक्सस बोलते हैं जिसको अपन, समझ गए? और ये नेक्सस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पे जाते हैं। अब अगर क्या होता है कि यहीं पर ही अगर किसी एक्यूज का एनकाउंटर कर दिया गया तो ये नेक्सस जो है यहीं पर ही ब्रेक हो जाता है। अब आगे तो ये लोग जा ही नहीं पाएंगे ना कि आगे इससे कौन कौन जुड़े हुए थे, कौन कौन नहीं जुड़े हुए थे। तो जो रियल में इतनी बड़ी घटना हुई है उसके अंदर जो रियल अक्यूज लोग हैं जो उसके साथ में जुड़े हुए, उनके बारे में तो कोई बताने वाला बचा नहीं है, क्योंकि जो बताने वाला था उसको तो आपने एनकाउंटर में मार दिया। तो जो पुलिसमैन जिनके दोस्तों शहीद हुए अपनी ड्यूटी के ऊपर, उनके परिवारों के साथ में भी ये जस्टिस नहीं है कि इसके पीछे, विकास दुबे के पीछे किन लोगों का हाथ था, किन लोगों से इसके कनेक्शन थे, समझ रहे हो? ये इतनी बड़ी घटना 8 लोगों को मारने वाली कैसे हुई? तो ये पूरी जो एक इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से होनी थी वो यहीं पर ही ब्रेक हो गई है, बिकॉज अब जो बताने वाला था वो तो खुद ही जो है ऊपर जा चुका है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो चलो आपको साफ पता है कि विकास दुबे ने जो है एक गैंगस्टर था, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि फेक जो है दोस्तों कई सारे एविडेंसेस के वजह से वह इस तरीके के एनकाउंटर भी करे जाते हैं जिनका कोई बाद में प्रूफ बचता भी नहीं है। तो एक तरीके से ये एक गलत डायरेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि गारा होता है अगर हम किसी भी एनकाउंटर की बात करें तो, समझ गए? तो लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ यार एनकाउंटर कर दिया, लेकिन कभी ये समझते नहीं है कि इस एनकाउंटर के पीछे कितनी ज्यादा बेटर चीजें हो सकती थी अगर नहीं करते तो, और ये लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं, और तो देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि है वायरल ट्रैकर को लेकर। तो आपको मालूम है दोस्तों कल भी 25,000 से ज्यादा केसेस है जो कि अपने इंडिया में हुए, 500 से ज्यादा मृत्यु हुई है। एक बड़ी यहाँ पे जो कंडीशन जो डिफिकल्ट हो चुकी है वो ये कि 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में नियर बाय 3,500 लोगों की मौत है जो कि हमारे देश में हुई है बिकॉज ऑफ द COVID-19, जो कि दुनिया में दोस्तों 4th नंबर पर है। सबसे ज्यादा ब्राजील में मृत्यु हुई, फिर यूएसए में, फिर मेक्सिको में, और फिर इंडिया के अंदर। तो दोस्तों कोविड होना तो चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, सही तो हो जाए इंसान, लेकिन मृत्यु अगर हो रही है तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि कंडीशन सही नहीं है, मतलब ओके। राज्य के हालात आप देख सकते हैं, जैसे जैसे राज्य है उनके हालात आप देख सकते हैं, और ये तो जो केसेस और जो डेथ बताई जा रही है ये तो बहुत ही अंडर रिपोर्टिंग है यार, आपको मालूम होगा। ये तो जो बताया जा रहा है ना अपने लोगों को, ये तो बड़ा अंडर रिपोर्टिंग है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से, समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जर्नलिस्ट जो है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर पूरे दिन का वीडियो बनाया है, कितनी सारी डेथ बॉडी आती जाती रहती है। चलिए आगे बात करें, पूरी दुनिया में दोस्तों तो 12 मिलियन केसेस हो चुके हैं, इंडिया की बात करें तो हम लोग भी 8 लाख तक दोस्तों पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जो कि है हमारी कमर्शियल वैक्सीन को लेकर, कि हमारे देश के अंदर दोस्तों जो COVID-19 की वैक्सीन है वो कब आ सकती है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक रियलिस्टिक जो डाटा जो है यहाँ पे लाया गया है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा, जो अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने दोस्तों क्या बोला है, पार्लियामेंट के जो पैनल है ना, जो पार्लियामेंट का जो पैनल है उसको ये इंफॉर्मेशन है जो कि दी है दोस्तों, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पार्लियामेंट्री पैनल है जिसको जयराम रमेश है जो कि इसको हेड करते हैं, तो उन्होंने ये बात बोली है दोस्तों कि जो टाइमलाइन यहाँ पे ICMR के द्वारा बताई गई है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट बताई गई है, और हमें यहाँ पे नियर बाय 12 मंथ है, अगले साल इसी टाइम तक दोस्तों हम लोग कमर्शियल का मतलब है आम जनता के लिए दुकानों पे मिलने लग जाए, कहीं पर भी मिलने लग जाए ना, उस तरीके से अवेलेबिलिटी को लेकर, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो सबसे पहले कुछ एक ग्रुप्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वहां पे देखा जाएगा, उसके बाद दोस्तों जाके कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे 12 महीने का दोस्तों बोला गया है, ठीक है। रिकवरी रेट दोस्तों हमारे कुछ राज्यों के अंदर काफी बेटर हो गई है, ये थोड़ी सी एक अच्छी खबर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है सोलर एनर्जी को लेकर। तो सोलर एनर्जी दोस्तों ये आने वाले टाइम पे आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है ये प्ले करेगी 21वीं शताब्दी के अंदर, ऐसा मोदी जी के द्वारा कहना है दोस्तों, बात बिल्कुल सही है।
अभी आपको मालूम है हुआ क्या है कि 750 मेगावाट का जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि बताया जा रहा है, जिसको इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे? रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रेवा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है भाई? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसमें क्या होगा कि 20-25% तो जो है मेट्रो के लिए काम में आएगी बिजली, और बाकी जो है फिर वो स्टेट के काम में आएगी। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि ये बताया जा रहा है। 3 यूनिट होगी जो कि 250-250 मेगावाट की, जो कि ये जनरेट करेगी। नियर बाय 140 करोड़ रुपए का असिस्टेंस है जो कि इसके लिए दोस्तों मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सोलर प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा चाइना दुनिया में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, देन यूएसए, देन जापान, देन जर्मनी। हम लोग भी दोस्तों यहाँ पे 5वें स्थान के ऊपर है। पिछले अगर मैं बात करूं 7 ईयर्स की दोस्तों, तो पिछले 7 सालों के अंदर हमने काफी अच्छी ग्रोथ है जो कि सोलर एनर्जी के अंदर करी है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा काम है जो कि मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर में हुआ है सोलर एनर्जी वाला, क्योंकि पहले हम लोग इतने फोकस नहीं थे सोलर एनर्जी के ऊपर, लेकिन पिछले 5-6 सालों के अंदर काफी अच्छा काम है सोलर एनर्जी ग्रोथ के अंदर हम लोगों ने किया है। ठीक है, देखा एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिसको बोलते हैं इंस्टॉल्ड, जो कि हम यूज कर रहे हैं, तो नियर बाय कोई ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग 80% के आसपास तो जो है ना, वो आज भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो पुराने सोर्सेज हैं, जो थर्मल है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। 20% जो आज हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका यहाँ पे थर्मल आ जाता है, कोल आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी तो खैर बहुत कम है, हाइड्रो हो गया है ना, जो कि हमारे पुराने तौर तरीके है ना वाले नॉन रिन्यूएबल। रेन्यूएबल से हम लोग मात्र 20% की इलेक्ट्रिसिटी है जो कि प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर अगर मैं टोटल की बात करूं तो देखिए 54% कोल से, 12% लार्ज हाइड्रो, विंड एनर्जी 10%, सोलर एनर्जी 9.4%। तो हमारी टोटल जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका 9.4% है जो कि हम लोग सोलर से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि हमने बिजली अभी चालू है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आप दोस्तों पिछले 9 या 10 सालों का डाटा आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ करी है। तो 2012 के बाद अगर आप देखोगे तो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कि आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 2016-17 के अंदर तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 2x आपको देखने को मिलेगी, 2.5x देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी आपको नियर बाय 2x देखने को मिलेगी, है ना। तो हमने सोलर के ऊपर दोस्तों नियर बाय 20 गीगावाट के ऊपर पहुंचे हैं, तो ये काफी ठीक है। राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर वन लीडिंग है कर्नाटक, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे राजस्थान, देन आंध्र, देन तमिलनाडु। जो साउथ इंडियन स्टेट है ना, ये सारे के सारे कहां हैं, साउथ इंडियन सोलर एनर्जी को काफी यूटिलाइज कर रहे हैं, इवन दो जबकि इनके पास में सनलाइट कम है कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के। अगर मैं बात करूं यूपी बिहार राजस्थान के अंदर तो गर्मी टिका के बढ़ती है, इवन दो ये राज्य जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन साउथ इंडियन राज्य जो है वो काफी अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी काफी बेटर है इनकी। आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 को लेकर। चलिए गाइज, हाँ भाई, पोएट्री बाय ऋषि कंपनसेशन मिलता है यूपीएससी के अंदर। चलिए, तो काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइज, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है बिल्कुल जीरो से, बेसिक से, तो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, काफी टाइम हो चुका है जीके नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपके पास मौका है कि आप लोग 11 बजे स्पेशल जो क्लास होती है ना उसके अंदर ज्वाइन करके मैं अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों जो कि बोइंग को लेकर बात करेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे राजस्थान की न्यूज है दोस्तों, राजस्थान को फटकार पड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान की ने अभी अपनी एजुकेशन गाइडलाइंस के तौर पर दोस्तों चेंजेस करें, RTE के तहत चेंजेस करें, तो लेकर दोस्तों जो NCPCR है ना उसने दोस्तों क्या लगाया, पेटिशन है जो कि एक फाइल करी है नई गाइडलाइंस को लेकर। एक्चुअली में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR का मतलब क्या है, नेशनल कमीशन है ये जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो उसने राजस्थान गवर्नमेंट को दोस्तों नई गाइडलाइंस को लेकर फटकार लगाई है, क्योंकि राजस्थान ने क्या किया अभी मैं आपको बताता हूं, उसको लेकर मैं भी थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि मेरे को भी नियर बाय 30 के आसपास जो किड्स हैं, मतलब बच्चे हैं, है ना, उनको RTE के तहत स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है
कि राजस्थान ने नई गाइडलाइन जारी करी जिसमें ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास के अंदर ही है ना बच्चों का आप एडमिशन करवा सकते हो आरटी के तहत फर्स्ट क्लास में ही सिर्फ। अब ऐसा है बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास जो कि नर्सरी के अंदर थे अब मेरे को उनको क्या करवाना पड़ रहा है कि नर्सरी से फर्स्ट क्लास के अंदर करवाना पड़ रहा है। अब जो बच्चा नर्सरी में है हालांकि उनकी एज तो बहुत ज्यादा है, कई सारे बच्चों की 6 साल है 7 साल है कई की तो 5 साल मतलब 8-8 साल तक है जो कि नर्सरी में जा रहे थे बिल्कुल जीरो से उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आरटीई के अंदर नर्सरी में एडमिशन ले नहीं रहे। राजस्थान गवर्नमेंट ने नया सर्कुलेशन जारी किया और उसमें ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में लेंगे। तो अब इनको बच्चों को मुझे फर्स्ट क्लास में करवाना पड़ रहा है। अब मैं फर्स्ट क्लास में करवाऊंगा तो मतलब मुझे कम से कम 5 गुना ज्यादा एफर्ट है जो कि लगाना पड़ेगा इनके लेवल को बढ़ाने के लिए ये फर्स्ट क्लास की जो किताबें हैं जो चीजें उनको सीख सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसी को लेकर एनसीपीसीआर ने क्या बोला है कि राजस्थान गवर्नमेंट को अपनी गाइडलाइन को लेकर बोला है कि भाई आरटीई जो एक्ट है 2009 उसके तहत आप लोग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो और 7 दिन का नोटिस देने के लिए बोला है। 7 दिन के अंदर दोस्तों री एग्जामिन करने के लिए बोला है, समझ गए। तो ये बात है जो कि यहाँ पे हुई है और काफी अच्छी बात है कि एनपीसीआर ने इसका स्टैंड लिया है इस चीज को लेकर, क्योंकि कई सारे राज्य आरटीई को लेकर अपने हिसाब से ही काम करते हैं। मतलब आरटीई को एक तरीके से हमारे देश ने इंट्रोड्यूस तो किया है लेकिन आरटीई में जो सच में जो ट्रू एजेंडा जो हम एजुकेशन का बोलते हैं ना वो नजर नहीं आता मुझे। ना तो प्राइवेट स्कूल के अंदर को एंथुसियाज्म नजर आता है आरटीई को लेकर। आपको मालूम है आरटीई के अंदर क्या होता है कि जो 25% जो है ना स्कूल के अंदर जो सीटें होती है वो आपको अंडर प्रिविलेज बच्चे को देनी पड़ती है, समझ गए मेरी बात, जो भी स्कूल के अंदर सीटें हैं। ओके, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीई जो एक्ट है वो 2009 के अंदर दोस्तों यहाँ पे लाया गया था और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को लेकर आर्टिकल 21A के तहत। ओके गाइस, इंडिया दुनिया की 135 कंट्री में शामिल हो गया था जो कि एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रीट करते हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर लूपहोल्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि अगर एक मान लीजिए कोई स्लम में बच्चा रह रहा है तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास में आधार कार्ड भी होगा, उसके पास में जो है घर का एड्रेस प्रूफ भी होगा, उसके फादर के पास में इनकम प्रूफ भी होगा, उसके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र भी होगा, समझ रहे हो। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब मेरे पास इतने सारे फैमिली के लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, जो बेचारे जिनके पास कोई एड्रेस प्रूफ ही नहीं है, समझ रहे हो, ऐसे इतने सारे लोग हैं लेकिन इनका बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक है ना आरटीआई भी लगाई थी इस चीज को लेकर। आरटीआई क्या, इनफैक्ट मैंने आरटीआई लगाने के बाद में पता करने के बाद में एक है ना पीआईएल जो है वो दर्ज करी है हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर मैंने बोला है कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने का जो काम है ना बच्चों का वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। एक कैंप लगाना चाहिए स्कूल में जब एडमिशन हो उससे पहले। अरे भाई इलेक्शन से पहले भी तो कैंप लगते हैं आपके वोटर आईडी बनाने के लिए, जब इलेक्शन के टाइम पे लग सकते हैं तो क्यों ना जब इन बच्चों का एडमिशन के टाइम से पहले सरकार 1 महीने का कैंप लगा के इन बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्यों नहीं कर सकते। ये भी तो उनका ही दायित्व है एडमिशन कराने का, समझ रहे हो। तो इस चीज को लेकर पीआई लगाई अभी तो। लेकिन एक्चुअली में क्या हो गया कि जो इमरजेंसी केसेस है ना वही सिर्फ कोर्ट है जो कि ले रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। लेकिन ठीक है, 2-3 महीने के अंदर जो है इसका कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे बोइंग को लेकर। और बोइंग से दोस्तों हम लोगों ने क्या लिया है, अभी अपाची हेलीकॉप्टर है जो कि हम लोगों ने पहले लिए थे। आपको मालूम है बोइंग दोस्तों दुनिया की टॉप 3 ऐसी कंपनी है जो कि डिफेंस के आपको मालूम है मैन्युफैक्चरिंग करती है ना चीजों की। तो बोइंग से हमने AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर है दोस्तों जो कि हम लोग इंडक्शन कर रहे हैं। पठानकोट वाला जो बेस है ना, ओके, वहां पर भी हमने सेरेमनी में इसको इंट्रोड्यूस किया था और अभी हम लोग जो हमारा ले वाला जो बेस है वहां पे दोस्तों हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे बिकॉज ऑफ द चाइना इशू। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों वो 22 अपाचे का दोस्तों अभी लास्ट जो है ना इसका स्लॉट वो अभी आने वाला है। हमने टोटल 22 लिए थे उसमें से 5 बचे हुए थे तो ये भी अभी आने वाला है, इंडियन एयरफोर्स को जो है वो मिल जाएगा। तो हम लोग इसको ले के अंदर जो है लद्दाख के अंदर जो है हम लोग इसको बेस पे लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और ये तो डील थी दोस्तों 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर थे जो कि हमने दोनों बोइंग से लिए थे। तो $3 बिलियन की दोस्तों ये डील थी। अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे तो आपको ये सब दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, और बोइंग ने जो जॉइंट वेंचर किया था ना वो किसके साथ में, टाटा बोइंग के साथ में किया था। मतलब जो छोटे मोटी चीजें जो इंडिया में बनती है वो टाटा के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन है जो कि किया था। ओके, ठीक है गाइस, जो छोटे मोटे चीजें होती है ना जो इनके डिवाइसेस होते हैं या इनके जो भी होते हैं तो वो इंडिया के अंदर भी बनते हैं। तो इंडियन एक कंपनी है जो कि इनके साथ में कोलैबोरेट करके बनाती है।
ओके चलिए, तो ये देख सकते हो आप दोस्तों यूएस आर्मी जो है उनको काफी यूज करती है, अटैक हेलीकॉप्टर है, अटैक करने के भी काम में आते हैं। और 1975 के अंदर इनको बिल्डअप किया गया था, 1986 में किया गया। यूएस की आर्मी, इसराइल की आर्मी, इजिप्ट की आर्मी और नीदरलैंड की आर्मी है जो कि इसको यूज करती है। ओके ये देखिए काफी जबरदस्त माने जाते हैं, इसमें से गोलियां वोलियां भी निकलती है, अटैक हेलीकॉप्टर है, इसमें से मिसाइल होती है छोटी सी वो भी निकलती है, दिख रही है आपको लगी हुई ये। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 14 की तरफ, और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग जो कि बात करने वाले हैं किसको लेकर, टर्की को लेकर। तो टर्की दोस्तों जो अपना आइकॉनिक म्यूजियम था सोफिया, उसको मॉस्को के अंदर दोस्तों कन्वर्ट है जो कि करने वाला है। ठीक है गाइस, तो हमने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में पढ़ा था और काफी लोगों ने मना भी किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कि भाई यूनेस्को साइट है आप इसको जो है कन्वर्ट ना करें, लेकिन वही वाली बात है, अब जो करना है तो वो तो करना ही है इन लोगों को। तो प्रेसिडेंट जो है दोस्तों एर्डोगन है ना, एर्डोगन जो है प्रेसिडेंट इस्तांबुल के अंदर जो सोफिया दोस्तों बना हुआ है उसको मुस्लिम प्रेयर के लिए इन्होंने ओपन कर दिया है। इसका मतलब क्या है, उसको मॉस्को के अंदर कन्वर्ट है जो कि कर दिया है। टॉप कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे बोला था कि जो बिल्डिंग का जो कन्वर्जन है ओके, जो किसी टाइम पे किया गया था है ना, इसको मॉस्को से पहले भी एक्चुअली में इसको क्या था, ये पहले चर्च हुआ करता था, मतलब कैथेड्रल हुआ करता था ये, ठीक है। कैथेड्रल मतलब आप एक तरीके से इसको चर्च ही मान सकते हैं। उसको बाद में मॉस्को में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, अब वापस से दोस्तों इसको वापस से मॉस्को के अंदर कन्वर्ट है जो कि किया जा रहा है, समझ गए। ये देखिए कुछ टाइमलाइन, पहले तो क्या एक कैथेड्रल था, ये रोमन कैथेड्रल था ओके 15वीं सेंचुरी तक। फिर 15वीं सेंचुरी में जब ओटोमन मॉस्को में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, पहले तो ये चर्च था, फिर इसको मॉस्को में कर दिया गया, फिर इसको म्यूजियम में कर दिया गया 1935 से 2020 के अंदर, क्योंकि मॉडर्न टर्की जो है उस टाइम पे बिल्डअप किया जा रहा था। तो उस टाइम पे इनके एक लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था अतातुर्क नाम से। तो अतातुर्क ने क्या किया था, इसको कन्वर्ट कर दिया था इसको म्यूजियम के अंदर, फिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। अब जो है यहाँ का कोर्ट बोल रहा है कि जो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया था ना वो इल्लीगल तरीके से किया था, तो हम इसको वापस से मॉस्को में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर कई सारे जो यूनेस्को है, साथ में कई सारे यूएस है और भी कई सारे चर्च के लीडर्स है, उन सभी ने दोस्तों इनको ऐसा करने के लिए मना है जो कि किया है। ठीक है गाइस, तो ये पूरा का पूरा इसका इतिहास है जो कि मैंने आपको बताया। 1500 साल पुराना मॉन्यूमेंट है दोस्तों ओके, ये देखिए काफी ब्यूटीफुल है, मतलब इस तरीके से ये बना हुआ है, काफी बड़ा भी है, काफी ब्यूटीफुल है ये देखिए ओके। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था, लेकिन अब ये मॉस्को बनने के बाद साइट में रहेगा नहीं रहेगा इसको लेकर थोड़ा सा आने वाले टाइम पे पता लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पेज नंबर 15, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पीपल बैंक ऑफ चाइना और एचडीएफसी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जोमेटो का बिजनेस जो है वो डबल हो गया रेवेन्यू लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के बाद। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तो और तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले पीपल बैंक ऑफ चाइना, पीपल बैंक ऑफ चाइना दोस्तों अपना जो एचडीएफसी में जो इनका स्टेक था ना वो बढ़ गया था, आपको मालूम है, अभी उसको वापस से 1% से कम है जो कि इन लोगों ने कर दिया है ओके। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना जो कि कंट्री का चाइना के सेंट्रल बैंक है, उसने अपने स्टेक को खुद ने कम करे हैं एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ओके। 30 जून को इन्होंने बोला है, इसके बारे में अनाउंसमेंट किया है। आपको मालूम है वैसे भी क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों ने खुद ने ही ये चीज समझ गया और पहले इनका 1.1% स्टेक है जो कि पहुंच चुका था, अब इन्होंने 1% से उसको रिड्यूस है जो कि कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने स्टेक से जो कि अपने बेच दिए हैं ओके गाइज, क्योंकि हम लोगों को भी काफी ज्यादा इसका टेंशन था कि भाई कहीं इंडियन कंपनीज को ये टेक ओवर ना कर ले। आपको मालूम है बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर तो बाढ़ आई हुई पड़ी है चाइनीज इन्वेस्टमेंट की, जो भी आप नाम बोलोगे ना इंडिया के टॉप 20 में से 17 स्टार्टअप्स तो दोस्तों चाइनीज के दम पे ही चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, पेटीएम वेटीएम हो गया, स्विगी जोमेटो ओयो ओयो ये सब जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, मेक माई ट्रिप हो गए ओके, ये सारे के सारे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे दोस्तों जानकारी दी गई है। इसके अलावा और अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों जो कि एचडीएफसी के अंदर इंक्लूडेड है वो कौन है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.14% के आसपास है, 3.14। इसके अलावा एक वैनगार्ड करके है, वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक है, उसके पास भी 1.66% है ओके। तो ये कुछ एक फॉरेनर एंटिटीज है जिनके पास में एचडीएफसी के स्टॉक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 16 दोस्तों, पेज नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
वो लास्ट वाली न्यूज है जो कि अपने सांप को लेकर है। आपको मालूम है दोस्तों दुनिया में क्या है, 3000 के आसपास स्पीशीज है जो कि स्नेक की पाई जाती है, जिसमें से नियर बाय 600 स्पीशीज होती है दोस्तों, जो कि कैसे होता है उनके अंदर वेनम यानी कि पॉइजन होता है। 600 में से नियर बाय 200 ऐसे स्पीशीज होते हैं दोस्तों जो कि अपने वेनम से किसी को मार भी सकते हैं, यानी कि वो डेथ का कारण है जो कि बन सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 3000 दुनिया में अगर सांप की प्रजातियां हैं तो उसमें से 200 ऐसी प्रजातियां होती है जो कि काटने से जिनके डेथ हो जाती है। समझ गया मेरी बात? तो नियर बाय क्या हो गया, 10% से भी कम हो गया, नियर बाय 7-8% के आसपास ऐसी स्पीशीज होती है। 100 में से अगर 7 या 8 सांप ही ऐसे होते हैं जिनके काटने से आदमी मरता है। ज्यादातर लोग जो मरते हैं सांप काटने के बाद में, वो कार्डिक अरेस्ट की वजह से मरते हैं। समझ रहे हो, जो डर होता है ना आप, उनका जो हार्ट फेलियर हो जाता है उसके वजह से ज्यादा लोग मरते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इंडिया के डाटा की बात करूं दोस्तों, तो हमारे 8 राज्यों के अंदर 70% लोग ऐसे थे। ओके, हमारे यहाँ पे 12 लाख लोग हैं दोस्तों जो कि सांप के काटने की वजह से पिछले 20 सालों के अंदर मरे हैं। अगर मैं पिछले 2000 से लेकर 2019 तक 2020 तक की बात करूं तो यार बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 12 लाख लोगों की मृत्यु होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। समझ रहे हो, हर साल हमारे यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा और फिगर आउट करूं तो हमारे यहाँ पे नियर बाय 58,000 लोग हैं जो कि एनुअली दोस्तों मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट। समझ रहे हो, जिसके अंदर लीडिंग स्टेट है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात। ओके, तो जो लो एल्टीट्यूड वाले एरियाज है ना, माउंटेन एरियाज में एक भी नहीं है, आप देखोगे कि इसमें माउंटेन एरिया एक भी नहीं है, सारे के सारे लो एल्टीट्यूड वाले एरिया है, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ओके, तो ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अकॉर्डिंगली डाटा कंडक्ट किया गया जिसके अंदर स्नेक बाइट को लेकर दोस्तों बताया गया है 97% जो भी स्नेक बाइट हुए हैं डेथ हुई है वो रूरल एरियाज के अंदर हुई है, ग्रामीण भारत के अंदर हुई है, जिसमें से मेल जो है वो 60% है, महिलाएं जो है वो 40% के आसपास है। एज ग्रुप दोस्तों मैक्सिमम जो रहा है वो 15-29 साल वाला रहा है जो कि ज्यादा टफरी मारते हैं लोग। सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है नियर बाय 8,000-9,000 लोगों के आसपास, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये स्नेक बाइट का दोस्तों डेटा है जो कि बताया गया है। ओके गाइज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु होना काफी बड़ी बात है मतलब यार। ओके, चलिए ये देखिए आप, एक रसल वाइपर है, मतलब ये देखिए इस तरीके से है ना फील्ड के अंदर निकल जाता है स्नेक के। ऐसा होता है कि उसकी जो बॉडी है ना वो उसी तरीके से डेवलप हो जाती है स्किन, जैसे कि वो एरिया में रहता है, ग्रीनरी में रहेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, समझ रहे हो, डेजर्ट में रहेगा तो डेजर्ट में हो जाएगा। एक तो साइड में भी चलता है स्नेक डेजर्ट में, जैसलमेर बीकानेर जाओगे तो इस तरीके से साइड में स्नेक ऐसा आगे चलता है ना, एक साइड में चलने वाला भी स्नेक होता है, समझ रहे हो, काफी तेज चलता है, साइड में भी है, काफी जबरदस्त जबरदस्त अलग अलग प्रजातियां जो कि स्नेक की देखने को मिलती है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं, और जो कि अपने वाइल्ड लाइफ रिसर्चर को लेकर उन्होंने डिस्कवर किया है वास्टोनी बटरफ्लाई 61 ईयर के बाद में त्रिपुरा के अंदर पीआईबी के अंदर इसके बारे में बताया गया है। वास्टोनी बटरफ्लाई, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है तू नागिन में सपेरा। पता है ना आपको स्नेक जो होता है ना उसके ईयर्स नहीं होते हैं ना, उसके कान नहीं होते हैं, वो क्या होता है कि वाइब्रेशन से सुन चीजों को वो करता है, पता लगाता है ना, इसके अलावा वो स्मेल भी नहीं कर सकता है, वो अपनी जीभ है ना उससे दोस्तों किसी भी चीज को फिगर आउट करता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, 61 ईयर के बाद में दोस्तों ये वास्टोनी बटरफ्लाई जो कि हमको देखने को मिली है त्रिपुरा के अंदर, है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु टॉप है मार्केटिंग बोरोइंग के अंदर अगर 2020-21 में राज्यों की बात करी जाए तो आरबीआई ने दोस्तों डेटा रिलीज किया कि 30,000 करोड़ रुपए दोस्तों रेस करें तमिलनाडु ने भी 2020-21 के अंदर अगर मार्केट से उधार लेने की बात करी जाए तो। समझ रहे हो, 17% इसने बॉन्ड जो है वो जारी करे हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, ये सारे राज्य है। ओके गाइज, इंटरेस्ट रेट दोस्तों तमिलनाडु की सबसे कम है, 35 साल के लिए पैसा है जो कि उसने लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जो कि आईआईटी एलुमनाई काउंसिल और सीएसआईआर आईजीआईबी ने साइन किया है एमओयू जॉइंट वेंचर को लेकर कोविड-19 को लेकर और कोविड-19 के पेशेंट को लेकर। तो आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने दोस्तों सीएसआईआर के साथ में हाथ मिलाया है, दोनों ने क्या है कि कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर, उनके डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं।
ओके और ये लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक लैब है जिसका नाम है मेगा लैब मुंबई है, जो कि सेटअप कर रहे हैं। और नियर बाय 8-9 हजार लोगों का पेशेंट का डाटा है जो कि अभी इनको दिया गया है। ओके आईआईटी एलुमनाई काउंसिल के अंदर दोस्तों जो अपने 23 आईआईटी है ना, वो सारे उनके मेंबर्स है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके एलुमनाई है, जो कि इसके मेंबर है। नेक्स्ट है गोवा के जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर सुरेश जी, उनके दोस्तों कोविड 19 की वजह से मृत्यु हो गई है। कोविड 19 इन्फेक्शन की वजह से 68 इनकी उम्र दोस्तों थी। इसके अलावा दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 5 मेंबर का कमीशन ताकि प्रोटेक्ट कर सके ट्राइबल लोगों के राइट्स को लेकर। ओके गाइज, यहाँ पे कई सारे ट्राइबल कास्ट है जैसे कि चारण है ना, भारवाड़ है, रबारी है, तो इन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है। 5 लोगों का बनाया गया, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस है वो सब लोग इसमें इंक्लूड करे गए हैं। ओके 1956 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दोस्तों एक एसटी का स्टेटस है जो कि लोगों को दिया था, राबारी हो गया, भारवाड़ हो गया, चरण कम्युनिटीज हो गया, इन सबको जो कि गिर वाले एरिया में जो है गुजरात वाले एरिया में रहते हैं, तो इनके बेनिफिट को लेकर दोस्तों यहाँ पे बोला गया है। ओके गाइज, ये देख सकते हो राबारी की बात करते हो, ये माइग्रेट हुए राजस्थान से, कच्छ से दोस्तों एरिया के अंदर जो है वहां पे रहते हैं। ओके भोपा एक वहां की प्रजाति है गुजरात की, उनके साथ में मिक्स होकर दोस्तों ये लोग रहते हैं। इसी तरीके से भारवाड़ भी है दोस्तों, है ना, उसी तरीके से चारण भी है। ठीक है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया ग्लोबल वीक की बात करो, 3 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि लंदन के अंदर के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया वहां के एनआरआई के द्वारा। ग्रेट बर्थ एनिवर्सरी पंडित रविशंकर की दोस्तों, जो कि ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन सितार प्लेयर थे, जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स के साथ में भी म्यूजिक प्ले किया है, उनकी बेटी है, उनका नाम अनुष्का शंकर, वो भी काफी जबरदस्त प्ले करती है सितार को। ओके, तो थीम रखी गई है बी द रिवाइवल इंडिया इन ए बेटर वर्ल्ड, ये यहाँ पे दोस्तों रखी गई है। 5,000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट है जो कि यहाँ पे दोस्तों उन्होंने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल इंडिया वीक दोस्तों। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दोस्तों रिप्रिंट किया है 108 वॉल्यूम मंगोलियन तंजौर अंडर द एनएमएम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 108 वॉल्यूम है दोस्तों जो कि मंगोलियन तंजौर के दोस्तों वापस से रिप्रिंट करें अंडर द नेशनल मिशन फॉर मानस। ओके ठीक है गाइज, तो ये नए मंगोलियन जो कल्चर है ना उनको लेकर और इंडिया को कोलैबोरेशन को लेकर दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मंगोलियन कंजोर क्या है दोस्तों, ये बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है जो कि 108 इसके वॉल्यूम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि मंगोलिया का माना जाता है। इसी से ही दोस्तों मंगोलियन लोगों की आइडेंटिटी है जो कि मिलती है उन लोगों को, काफी पुराना दोस्तों लॉर्ड बुद्धा के टाइम का ये लिटरेचर है जो कि देखने को मिलता है। इसको तिब्बतियन में भी ट्रांसलेट किया गया बाद में। ओके, ये एक तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, एक हैंड रिटन कंपोजिशन होता है जो भी किसी पेपर के ऊपर, मेटल के ऊपर, किसी चीज पे जब आप हाथों से कुछ लिखते हो ना तो हम लोग उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, समझ रहे हो। और उसके बाद में फिर इसको क्या होता है कि उसको प्रिंटिंग के लिए डाल के उसकी किताब है जो कि बाद में बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये था आज का सेशन। आपका 3 मंथ चैलेंज जो है वो जरूर एक्सेप्ट करिएगा अगर आपको अपनी जीके इंप्रूव करनी है। इंडिया के किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर रेलवे तक का जो भी एग्जाम है ना, उसके अंदर जितनी भी जीके आती है वो सारी जीके आपको एनसीईआरटी के माध्यम से दोस्तों कवर करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। एनसीईआरटी के दोस्तों पूरी तरीके से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का कवर करवा रहा हूँ जीके। 11 और 12 बजे ज्वाइन किएगा करिएगा, लाइव देखिएगा स्पेशल सेशन के ऊपर। कैसे ज्वाइन करना है फिर से बता रहा हूँ, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको ओपन करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पे एसएससी के अंदर, सर्च करो भुनेश शर्मा सर्च करोगे तो आपको एक प्रोफाइल मिलेगी दोस्तों। देखो ये प्रोफाइल आ गई ना, इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में यहाँ पे फॉलो कर लो और ये देखो स्पेशल क्लासेस यहाँ पे, और यहाँ पे सी ऑल कर दो। सी ऑल करते ही आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। आज 11 बजे हम लोग इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। अगर आपने कभी मुझसे नहीं पढ़ी है इकोनॉमिक्स तो ज्वाइन कर लेना, या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जीके का, एक बार पढ़िएगा लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, समझ रहे हो। इतनी बेस्ट क्लासेस अच्छे ग्रुप के साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से डायग्राम्स के थ्रू आप लोग कवर करते हैं। ठीक है, और सब अगर आपको किसी भी तरीके का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी एग्जाम का तो आप उसको सेलेक्ट करके भुनेश 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एसएससी सेलेक्ट किया, फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, फिर आपको 500 रुपए पर मंथ पे गए, फिर आप रेफरल कोड में गए, फिर आपने भुनेश 10 डाल दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का सबका फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपको मिल जाएगा। अप्लाई कर दीजिएगा,
आज के महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पहला सवाल, वन्य जीव शोधकर्ताओं ने डैश में 67 ईयर के बाद में वात्स्यायनी तितली को फिर से खोजा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में राज्यों में सबसे अधिक मार्केट जो है से पैसा उधार लिया है। इसके अलावा मैंने कमेंट के अंदर भी दोस्तों डाला हुआ है लिंक स्पेशल क्लास का, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ए, IIT एलुमनाई काउंसिल डैश में दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिकुलर प्रयोगशाला जो है वो स्थापित कर रही है। COVID-19 संक्रमण के कारण सुरेश जी का निधन हो गया, वे कहां के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। रबारी, भारवाड़ और चारण जनजाति कहां से संबंधित है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी 9 बजे वाली क्लास में फिर से मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।